हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बैक पार्ट है, इसे मैंने कपड़े पे रखा है। अब मैं इसकी आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। इसे मैंने पिनअप किया है, ये देखिए। कपड़े को उल्टा करके इसे रखा है मैंने। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे नीचे के साइड से कमर की तरफ से सिलाई करके लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने सिल के लिया है। अब हम इसे मैं यहाँ पे इसे नाखून से अंदर की तरफ मोड़ के अब हम यहाँ पे एक सिलाई करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने पीछे से सील के लिया है। अब हम इसे पिनअप करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसे गले की तरफ से ऐसे सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, ये सिल के हो गया है। अब हम इसे मैं कट करके लेती हूँ। अब हम बैक पार्ट के लिए टक्स लगाएंगे। ये दोनों बराबर करके लेने का। हमारी कमर 7.5 इंच थी, तो हम यहाँ पे 7.5 और एक टक्स के लिए यहाँ पे। यहाँ पे टक्स हम 3.5 इंच और इसकी लंबाई 3.5 इंच करेंगे। आप अपने गले के हिसाब से कीजिए। गले के ऊपर इसका टक्स नहीं आना चाहिए पीछे का। यहाँ पे 0.5 इंच और इस तरफ से 0.5 इंच लेके
हम दोनों तरफ से ऐसे ही टक्स लगाएंगे। ये देखिए हमारे टक्स दोनों हो चुके हैं। अब हम साइड से ऐसे सिलाई लगा के लेते हैं। जो ज्यादा कपड़ा है उसे कट करके लेने का। ये देखिए हम मेरी बैक साइड की सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम आगे की पार्ट की कटिंग सिलाई करते हैं। ये देखिए, तो पहले हम कटोरी को जोड़ के लेते हैं। पहले तो ये दोनों पार्ट लेने के आमने सामने रखने का, ये देखो, ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे पहले आस्तर को जोड़ के मैं लेती हूँ। अब मैं इस कटोरी को जोड़ती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जोड़ लिया है अस्तर को कपड़े पे। अब मैं इसे यहाँ पे इस कटोरी को ऐसे गले की तरफ से ऐसे पकड़ के इसे अटैच करते हैं। और हमने जितनी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ी है उतनी ही लेने की। ये अंदर का कपड़ा कटोरी की तरफ ऐसे करके, ये देखिए ऐसे नाखून से प्रेस करने का। अब हम इसे मैं यहाँ पे टक्स लगा के लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे टक्स, हमारी कटोरी 5.5 इंच की थी, तो ये देखिए यहाँ पे 5.5 इंच है और यहाँ से ये 2 इंच हमने कटोरी ज़्यादा बढ़ाई थी, तो हम अब एक एक इस तरफ से 1 इंच और इस तरफ से 1 इंच ऐसे कटोरी को पकड़ के ऐसे हम इसे टक्स लगाएंगे।
देखिए। और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, उसे कट करके लेने का। अब मैं आपको इस क्रॉस पट्टी को कैसे बिठाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, एक हमारी क्रॉस पट्टी है, तो हम इसे यहाँ पे, ये हमने जैसे कट किया था, एक इस साइड से ऊपर की तरफ से 1 इंच से ज़्यादा है, वहाँ से पकड़ने का। ये देखिए, और यहाँ से अब मैं इसे यहाँ पे एक आधा आधा इंच की दूरी पे सिलाई चलाती हूँ। ये देखिए, ये क्रॉस पट्टी मैंने जोड़ ली है। अब हम पीछे का पार्ट लेके यहाँ पे इसे ऐसे रखे, ये जितना ज़्यादा है क्रॉस पट्टी उसे यहाँ पे नाप लेके इसे यहाँ से इतना, ये देखिए, यहाँ से सिलाई चलाएंगे। ताकि फिर फिटिंग के टाइम हमें कम ज़्यादा कपड़ा ना पड़े। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करें। अब मैं इसे जोड़ के लेती हूँ।